तो दोस्तों अब भारतीय रेलवे ने आने वाले 3 सालों के लिए अब एक रोड मैप तैयार कर लिया है और इस रोड मैप के तहत उन्होंने 3 बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। उसमें से सबसे पहला है कि वंदे भारत कोचेस के प्रोडक्शन को काफी तेजी लाया जाए, इसे एकदम फास्ट ट्रैक में डाल दिया जाए। इसके रिलेटेड अब दी गई इन्फॉर्मेशन में रेलवे ने कहा है कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर तक अब उनका टारगेट होगा कि वो 600 वंदे भारत एक्सप्रेस के कोचेस तैयार कर ले और वहीं उसके अगले फाइनेंशियल ईयर दैट मींस 2023-24 तक वो 1000 कोचेस का टारगेट रख चुके हैं। सो अब ये काफी अच्छी बात है कि जो काफी कोल्ड प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था उसे फाइनली वार्म अप किया जा रहा है। यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस को फिर से ट्रैक में दौड़ाने के लिए काफी ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं और होपफुली आने वाले कुछ सालों के भीतर आपको तमाम इस तरह के ट्रेन सेट्स भारत में दौड़ते हुए नजर आ जाएंगे अक्रॉस वेरियस सिटीज। वैसे एक बात आपने नोटिस की होगी, जब से यहाँ पर न्यू रेल मिनिस्टर आए हैं तब से इन्होंने काफी ज्यादा फोकस किया है वंदे भारत एक्सप्रेस पर और ये काफी अच्छी बात है क्योंकि ये काफी समय से एक कोल्ड प्रोजेक्ट बन गया था। इसके ऊपर से कोई अपडेट नहीं निकल कर आ रही थी। इनफैक्ट जो बाकी के देश थे इस तरह के ट्रेन्स को प्रोक्योर करना चाहते थे, अपने देश में दौड़ाना चाहते थे, बट भारत में ही कुछ समस्याओं के चलते इसका प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाया और अब फाइनली इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जा रहा है, वो भी काफी तेजी से। सो आने वाले 3 सालों के भीतर अब ये काफी ज्यादा विन सिचुएशन होने वाला है। वही दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो अब यहाँ पर TCAS सिस्टम पर इन्होंने काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी है। यहाँ पर एक सीनियर रेलवे ऑफिशियल ने कहा कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी जो यूरोप में यूज की जाती है ETC लेवल 2 सिस्टम, वो काफी ज्यादा कॉस्टली है। इसे टैकल करने के लिए हमें हमारा इंडिजिनियस सिस्टम ही चाहिए। सो इसकी वजह से रेलवे ने ऑप्ट किया फॉर इंडिजिनियस ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम और कमाल की बात यह है कि इसे काफी सक्सेसफुली यूज भी किया जा रहा है साउथ के कुछ पायलट प्रोजेक्ट के स्ट्रेच में। भले ही यहाँ पर थोड़े अपग्रेडेशन की जरूरत है, बस यहाँ पर कुछ मामूली चेंजेस करके और कुछ एडिशनल फीचर्स डाल के ये न केवल ही पूरी तरह से एक परफेक्ट फिट होगा भारतीय रेलवे के TCAS सिस्टम के लिए, बल्कि बाहर के देशों में भी जो यूरोप के इस तरह के ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो डेफिनेटली इंडिया के इस बेहद ही अफोर्डेबल TCAS सिस्टम को चूज कर सकते हैं फॉर देयर रेलवे सिस्टम। फाइनली थर्ड टॉप प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर अब रेलवे ने पैसेंजर के कम्फर्ट के लिए रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन पर काफी फोकस करने वाले हैं आने वाले 3 सालों के भीतर। इनफैक्ट आपको पता ही होगा कि एक स्पेशल बॉडी भी है IRSDC यानी कि इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो इस तरह के डेवलपमेंट पर स्पेशली फोकस करते हैं और अब इन 3 सालों में रेलवे ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न एमिनिटीज वाले स्टेशन को डेवलप करेंगे, रीडेवलप करेंगे। यहाँ पर एयरपोर्ट की तर्ज पर जो भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है वो सभी ऑफर करने की कोशिश की जाएगी। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड क्लास लेवल का एनवायरनमेंट, एक इकोसिस्टम बनाने के लिए यहाँ पर इंडियन रेलवे काफी प्रयत्न कर रही है। सेफ्टी से यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज किया नहीं जा रहा है। इनका टारगेट है कि इस TCAS सिस्टम से जो भी एक्सीडेंट के आंकड़े हैं वो आने वाले समय में सीधा 0 हो जाए। सो ये है रेलवे के अब टॉप 3 गोल्स जिन पर वो आने वाले 3 सालों में काफी ज्यादा काम करने वाले हैं। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।